बच्चा चलो यही दीजिए ना। हो नहीं 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 यहाँ नहीं दे सकते हैं। हाँ। तुमको जो दिया ना झाड़ी में ले जा करके देंगे। पता नहीं यही तो कहीं बताया हुआ था। अब रोड से यहाँ तक चले आए पैदल, लेकिन अभी तक ना कोई आदमी मिला है ना बाबा का कुटिया मिला है। बताइए क्या मेरे नसीब में लिखा हुआ है। एक बच्चा के लिए हम दर दर भटक कर रहे। डॉक्टर से कोई निदान नहीं हुआ, नहीं बच्चा हुआ। डॉक्टर के इलाज से तब जाके बाबा के पास कोई बताया है तो आए हैं, और वो भी एड्रेस हम भटक गए। हाँ कहाँ है, इधरे है, लेकिन इधर तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है बाबा का कुट्टी। कोई आदमियों मिलता तब ना उससे पूछते कि बाबा का कुट्टी किधर है। समझ में नहीं आता, प्यास भी बड़ी ज़ोर से लगा हुआ है, क्या करे नहीं करे समझ में नहीं आ रहा है। अब कोई साथों में नहीं है, सोचे साथ में लेके जाएंगे तो कोई जान जाएगा कि बाबा के पास जा रहे बच्चा के लिए। हो जाएगा तब तो ठीक है, बाबा के हाथ में जस हो जो हमको बच्चा हो जाए, पहले बाबा मिले तो सही। किधर है नहीं है, उधर तो आदमी से बैठा हुआ है, क्या करे नहीं करे। जाते हैं उसी सबसे पूछते हैं, अब क्या करेंगे। जंगल में आ गए, बाबा का कुटी नहीं मिल रहा है तो पूछेंगे ना, कहेंगे कोई कोई ना कोई बहाना आटा देंगे, कहेंगे कि काम है बाबा से, बाबा कहाँ बैठते हैं, उसी सबसे पूछते हैं। बाबा हम है चेला। अरे चेला तुम है। बाबा भी जो ना सठिया जाते हैं, चेला में कारनी में फर्क नजर नहीं आता है। नहीं नहीं हमको लगा कि कोई कारनी बगल में बैठा हुआ है, इसीलिए भर पाचा के पकड़ लिए। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, धुन में रहिए। चेला। हाँ बाबा। क्या करे, कितने दिन से कारनी नहीं आया है ना, मन भटकते रहता है, मन विचलित होते रहता है कि कोई कारनी आता तो उसको बाहों में बाहों जकर के सोए रहते, परे रहते। अच्छा ऐसा मन करते रहता है चेला। आप तो कामे ऐसा ऐसा करते हैं ना, जिसको एक बार जो है सो आप मंत्र मारते हैं, मंत्र झाड़ते हैं, वो दोबारा आपके कुटिया ना आता ही नहीं है। ता कही कि हम मंत्र कहाँ मारते हैं, हम तो भोग लगाते हैं। उसी को ना हम मंत्र कहते हैं। अच्छा। तो कहाँ से आएगा, सही मंत्र मारिएगा तब ना आएगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई कारनी जरूर आएगा। अब बाबा उसको एकदम मूड फ्रेश करेगा उसके साथ, वो भी कल से फिर नहीं आएगा। बाबा है क्या? हाँ आइए आइए बैठी बैठी। है बाबा। बाबा प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो, आनंद रहो, मस्ती में रहो। बैठो बैठो यहाँ बैठो। सही टाइम पे आए हैं आप। सही टाइम पे मतलब? हाँ, हाँ, हाँ बाबा। देखो ऊपर वाले ने मेरा सुन लिया। हाँ। अब तुमको नहीं पकड़ेंगे। हाँ बाबा। इसी को पकड़ेंगे। सुनिए ना बाबा, देखो ना कितना अच्छी लग रही है देखने में। बगल में बैठे हैं, देख लेगा तो वो भी चला जाएगा, इसलिए मुझे मत बताइए। कोई दिक्कत है बाबा? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है हमरे बाबा। अच्छा हाँ। बोले क्या परेशानी है बाबा? परेशानी समझिए तो कुछ नहीं है, तो बहुत बड़ा है। समझे, हमको समझे में नहीं आ रहा है कि हम आपके दरबार में आपके कुटिया पे हम सुख से आए हैं कि दुख से आए हैं। अरे परेशानी तुमको नहीं पता? हाँ। है कि सुख से आए हैं कि दुख से आए हैं, परेशानी बताइए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, पति है, बच्चा है। हाँ। घर है, परिवार है, हर चीज है। हाँ। समझे, तो दिक्कत किस बात की है, सो परेशानी ना बताइए। बताते हैं, पति भी अच्छा खासा कमाते खोटाते हैं, बच्चा भी मेरा बहुत अच्छा पढ़ लिख रहा है, मतलब सब कुछ से सुखी संपन्न है। समझे, कोई कोई आदमी बोलता है ना बाबा कि हौ हम लिए हैं, हौ हमको भेटा है। समझे, ये हौ हमको समझ में नहीं आया। समझे बाबा। हाँ। तो हमको भी ना। हाँ। वो हौ चाहिए। हौ चाहिए चेला? बाबा ये हौ क्या होता है? बाबा हौ 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 जानते नहीं? हौ क्या? हौ आप जो जिसके लिए बेचैन थे वही हौ। हौ भला इसको कहता है हौ? अच्छा हाँ, उसी को कहता है। अच्छा कीजिए ना, आप नहीं समझते हैं तो हम अपना वाला हौ दे देते हैं। ता कहीं क्या आए? ये मखान का गगरी तुम खाना चाहता है, खोआ का तौला तुम खाना चाहता है। तभी से हम समझा रहे हैं तो अब लेख कह कर रहे हैं। अब समझ गए, अब समझ गए कि हौ का मतलब क्या होता है। घोप घोप। क्या हुआ बाबा, कोई दिक्कत है? नहीं 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 नहीं, नहीं अब चेला को चोटिया रहे थे इसलिए नहीं, उल्टा सीधा बोलते रहता है इसलिए। चेला है तो बाबा जैसा जैसा मंत्र बोलेंगे वैसा आप सीखिएगा, तब ना बाबा के जगह कहियो लीजिएगा। मारे है थोड़ी आशीर्वाद है ये आशीर्वाद। बाबा ऐसा आशीर्वाद जाते समय हमको भी दे दीजिएगा, पहले हमको। लेकिन तुमको आशीर्वाद देंगे लेकिन गाल पर नहीं देंगे, तुमको दूसरे जगह चोट देंगे। कोई बात नहीं बाबा,
पहले हाउ दीजिए ना, हमको समझ में नहीं आता ये हाउ क्या है, लेकिन हाउ हमको चाहिए। एकदम देंगे, एकदम देंगे। बाबा के पास आ गई तो बाबा हाउ क्या, हाउ हु हु सब दे देगा। दीजिएगा ना। हाँ, लेकिन कितने दिन से तुमको मन करता है हाउ लेने का? ये लगभग जब हम किसी के मुंह से सुनने लगे ना बाबा, हाँ, 10-15 रोज से हमको बहुत मन हो रहा है कि हमको हाउ चाहिए। अच्छा, हाउ चाहिए। समझे। किसका बच्चा खड़ा है? ये बच्चा नहीं है, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, ये बच्चा नहीं है। हाँ। एक चुड़ैल था ना। हाँ। उस चुड़ैल को जो है ना हम इसमें बंद करके रखे हैं। चुड़ैल को? हाँ, हटाइए बाबा, इसको खिलाते रहते हैं, इसको हटाइए। हमको तो बाबा हाउ चाहिए, जल्दी से हमको हाउ दीजिए। अच्छा, एक बात बताओ बच्चा, हाली हाली हम घर चले जाएंगे। हाउ तुमको जो उठा करके दे, कि बैठा करके दे, कि सुता करके दे, कि निहुरा करके दे? ताके, बैठा के, निहुरा के। बाबा जब आपको पता है कि हमको इतना तक पता नहीं है कि हाउ है क्या, हाँ, तो हम कैसे बताए कि हम सुत के ले लेंगे, कि उठ के ले लेंगे, कि निहुर के ले लेंगे? आपको जैसे देना है उसे दीजिए, लेकिन हमको हाउ चाहिए बाबा। एकदम एकदम मिलेगा बच्चा, एकदम मिलेगा। चेला, हाँ बाबा, हम आ रहे झाड़ी में हाउ दे करके। अब मेरा वाला जो हाउ उफान मार रहा है, तुम्हारा हाउ उफान मार रहा है बहुत, कहीं के तो उसको हम क्या करें? हमको जाने दीजिए, मारेंगे मुँह फुला देंगे। अभी मेरा जोड़ी है ना, तो अभी हम जाएंगे ना। बच्चा चलो, यही दीजिए ना हाउ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुमको जो दिया ना झाड़ी में ले जा करके देंगे। झाड़ी में रखे हुए हैं? ठीक है बाबा, झाड़ी में रखे हैं, जंगल में ही ना शेर रहता है, अब बिल खोजता है। चलो चलो, जाइए जाइए बाबा, जाइए, आपका हवाला हो तो काम करेगा नहीं बाबा। बोलो बच्चा, कैसा लगा हो? बाबा एक बात बोले? हाँ बोलो, इधर आओ, इधर 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 आ जाओ। लेकिन आप मेरे साथ गलत किए हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ गलत किए हैं? ये आप क्या कर लिए? अरे वही किए, तुम बोली थी कि हमको हाउ चाहिए, तो हम तुमको हाउ दिए हैं, और क्या किए हैं? हाउ का मतलब ही थोड़ी होता है। यही होता है हाउ का मतलब। हाउ का मतलब यही होता है? यही होता है। ओह माय गॉड, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। बाबा ये हाउ तो मेरे हस्बैंड के पास भी था। तो तुम हस्बैंड से ले लेती ना, बाबा के पास आएगी तो बाबा देगा ना तुमको? हमको तो पता नहीं था बाबा कि हाउ क्या होता है, हम तो हाउ लेने आए थे। हमको पता रहता कि जो मेरे पति के पास है उसी को हाउ बोला जाता है, तो हम यहाँ कभी नहीं आते। अब तो पता चल गया ना। पता चलने से क्या होगा बाबा, चलिए गया तो क्या हो गया, अब तो हम लूट गए, बर्बाद हो गए। अरे कहाँ लूटी हो, कहाँ बर्बाद हुई हो, ये बात जो है किसी को मत बताना, अपना मन में ही दबा के रखना। अगर किसी को बता देगी तो तुम्हारा भी हिम्मताई होगा, बाबा का भी हिम्मताई होगा। बाबा लेकिन मेरा इज्जत चला गया सो। अरे 4-5 मिनट का खेल था क्या? इज्जत मेरा पति रखेगा? क्यों नहीं रखेगा, उसको पता चलेगा तब ना। लेकिन जो आप किए ठीक नहीं किए बाबा, जब आपको पता था तो हमको समझा के बोलते ना, हमको अगर पता नहीं था तो। तब समझा के पूरा हम बता ही दिए, प्रैक्टिकल कर दिए थ्योरी के साथ साथ, अब क्या हम तुमको बता दें? जाइए, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे किसी को नहीं पता चलेगा, और तुम भी ये बात किसी को मत बताना, समझ गई? ठीक है। ठीक है, जाओ जाओ तुम जाओ। अरे वाह, कैसा कैसा औरत सब है, आए अपने से चलकर आती है बाबा के पास हाउ मांगने के लिए, और जब बाबा हाउ देता है तो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि बाबा मेरे साथ गलत किए हैं। जाओ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा का एकदम मूड फ्रेश हो गया, विचार बन गया। अरे वाह साला, चेला तो कुटिया में इंतजार करता होगा, पहले चेला के पास जाने दो,